हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आइस अकेडमी पे। और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ आप डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून में किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है और कौन कौन से कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल हैं, आप किस तरह से एडमिशन ले सकते हैं और इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है इस ईयर के 2021-22 के कब तक आएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको जो है ले चलता हूँ डीएवी पीजी कॉलेज की जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो आप जो है अगर अपने मोबाइल में ओपन करेंगे तो आपने डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून सर्च करना है, ठीक है। सर्च करने के बाद ये वेबसाइट खुल जाएगा इसका। तो ये डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून का ऑफिशियल पेज खुल चुका है। सबसे पहले तो गाइज ये जो डीएवी पीजी कॉलेज देहरादून है, देहरादून में जो करणपुर में स्थित है, एचएनबीसी ये एफिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं पहले कोर्सेज़ क्या क्या हैं, क्या क्या कोर्सेज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं हम देख लेते हैं गाइज। तो सर्च कर लेते हैं हम कोर्सेज, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे देखिए जो कोर्सेज हैं आपकी बीए हैं, ठीक है, 3 साल और 6 सेमेस्टर का होता है। बीकॉम है आपका, ठीक है, बीएड है और आपका बीएससी है, एलएलबी है, एमए है, एमए डिफरेंट सब्जेक्ट्स है, एमए ड्राइंग एंड पेंटिंग से है, एमए इकोनॉमिक्स है, एम ए इंग्लिश से है, एम ए जियोग्राफी से है, एम ए हिंदी से है, ठीक है, और एम ए हिस्ट्री से है, एम ए मैथ से है, एम ए पॉलिटिकल साइंस से है, एम ए जो है आपका साइकोलॉजी से है, एम ए संस्कृत से है, और आपका एम ए संस्कृत से है, एम ए सोशियोलॉजी से है, एम ए स्टैटिक्स से है। उसके बाद एम कॉम है आपका, 4 सेमेस्टर का ही होता है, ठीक है। एम एस सी है बोटनी से, केमिस्ट्री से, और एम एस सी आपका जूलॉजी हो गया, एम एस सी मैथ हो गया, एम एस सी फिजिक्स हो गया, एम एस सी स्टैटिक्स हो गया। तो ये सारे सब्जेक्ट हैं यहाँ पे, इतने सारे कोर्स हैं, प्रोफेशनल कोर्स, ठीक है, रेगुलर कोर्स जो रेगुलर कोर्स हैं। इसके अलावा भी सेल्फ फाइनेंस के कोर्स भी हैं, वो भी मैं आपको बताऊँगा। तो इतने सारे कोर्स हैं। अब हम देख लेते हैं बीए में आप कौन कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए 3 साल का जो है बीए होता है, यानी 6 सेमेस्टर होते हैं। तो यहाँ पे आप हिंदी साहित्य, संस्कृत साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस जो है, अर्थशास्त्र हो गया, समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, भूगोल, मनोविज्ञान, चित्रकला, भारतीय संगीत और स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी और गणित, ठीक है, 14 सब्जेक्ट हैं बीए में। तो आप इन 14 सब्जेक्ट से जो है आप वहाँ पे बीए कर सकते हैं। इनमें आप कोई भी जो सब्जेक्ट हैं, 4-5 सब्जेक्ट सेलेक्ट करके आप जो है बीए कर सकते हैं। दूसरा कहता है निम्नलिखित एक साथ नहीं ले जा सकते, यानी ये सब्जेक्ट आप एक साथ नहीं ले सकते, ये भूगोल के साथ चित्रकला और अर्थशास्त्र के साथ संगीत, ठीक है, यानी भूगोल के साथ आप चित्रकला नहीं ले सकते और अर्थशास्त्र के साथ आप संगीत नहीं ले सकते। सांख्यिकी विषय के साथ गणित विषय आवश्यक, यानी आप स्टैटिक्स ले रहे, अगर आप स्टैटिक्स लेंगे वहाँ पे तो आपको उसके साथ मैथ भी लेना कंपलसरी है। और बीए प्रथम वर्ष में छात्र भूगोल, चित्रकला और मनोविज्ञान विषयों का चयन तभी कर सकते हैं जब उन्होंने उक्त विषय में अह परीक्षा उत्तीर्ण की हो। गणित केवल जो है सांख्यिकी, अर्थशास्त्र, भूगोल विषय ही लिए जा सकते हैं गणित के साथ में। संगीत विषय वही अभ्यर्थी ले सकते हैं जिनका 10+2 में संगीत विषय रहा हो या जिन्होंने भारत खंडे अथवा प्रयाग संगीत समिति से मध्यमा या सीनियर डिप्लोमा या 4 वर्षीय पाठ्यक्रम उत्तीर्ण किया हो। अन्य प्रतिभावना अभ्यर्थी यदि संगीत विषय लेने का इच्छुक हो तो विभागाध्यक्ष या संकायाध्यक्ष उसकी स्वर परीक्षा लेकर प्रवेश संस्तुत करा सकते हैं। तो समय जो जो एडमिशन जो होता है आपका बीए में प्रथम सेमेस्टर में, जो इसके लिए जो सामान्यतः तो जो इंटरमीडिएट में आपका 40% मिनिमम होना चाहिए मार्क्स, ठीक है। SC ST के लिए 5% की छूट यहाँ पे रहती है। तो गाइज अगर आप बीए जो कर रहे हैं तो बीए इन सब्जेक्ट से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी जो है बीए आप बीए मैथ भी कर सकते हैं आप, ठीक है, बीए साइकोलॉजी से भी कर सकते हैं, बीए जो है इंग्लिश से भी कर सकते हैं, और ठीक है। बाकी ये है कि भूगोल के साथ आप चित्रकला नहीं ले सकते, अर्थशास्त्र के साथ में आप संगीत नहीं ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं गाइज बीकॉम का भी सेम रहेगा, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मिनिमम क्या रहेगी और प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। बीएड भी 2 साल का होता है यहाँ पे। बीएससी के लिए भी आप देखिए तीन कैटेगरी यहाँ पे होती है। एक तो CBZ हो गया आपका, केमिस्ट्री बोटनी जूलॉजी, एक PCM हो गया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, और एक PMS हो गया फिजिक्स मैथ और स्टैटिक्स, ठीक है।
तो अगर आप जो है बीएससी करना चाहते हैं सीबीजेट से या पीसीएम से पीएमएस, तो आप इसके लिए इंटर में आपके पास में जो है ये जो सब्जेक्ट हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, अगर आप बायो से हैं तो सीबीजेट, अगर आप मैथ से हैं तो पीसीएम या पीएमएस कर सकते हैं, ठीक है। बाकी इसी तरह से एलएलबी है, 6 जो आपका 3 साल का यानी 6 सेमेस्टर का होता है आपका, ठीक है। तो एलएलबी के लिए भी आपका जो है ये जो होता है, ठीक है, तो आपका जो बार काउंसलिंग ऑफ इंडिया है, ठीक है, स्नातक जो एलएलबी के लिए जो आप प्रवेश के लिए सामान्य वर्ग और अन्य ओबीसी वर्ग एसटी के लिए जो ये स्नातक स्तर की परीक्षा में न्यूनतम 45% अंग होने अनिवार्य है, एससी एसटी के लिए 40% जो है, अगर आप एसटी हो तो आपके लिए 40%। तो एलएलबी अगर आप करना चाहते हैं तो आपके पास में ग्रेजुएशन जो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है, और जो एलएलबी है आपका ये 3 साल का होगा, इसे 6 सेमेस्टरों में डिवाइड किया गया है, और जो एडमिशन होता है ये भी मेरिट के बेस में ही होता है, और जो प्रवेश के लिए जो यहाँ पे जो मैंने बता दिया ग्रेजुएशन में आपके मिनिमम 45% होते हैं जनरल और ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 40%। तो ये एलएलबी का था। इसी तरह से एमए का है, एमए इकोनॉमिक्स का है, एमए इंग्लिश का है, एमए ज्योग्राफी से, आप देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस, क्योंकि यहाँ पे सारे सब्जेक्ट का दिखाना पॉसिबल नहीं है, वीडियोस काफ़ी लंबी हो जाती है, इसलिए मैं अभी शॉर्ट में इतना ही दिखा रहा हूँ। बाकी इसमें मैं आपको बता देता हूँ कुछ प्रोफेशनल जो सेल्फ फाइनेंस कोर्स हैं उसमें क्या क्या है, तो उसमें आपका देख लें, एक तो आपका एमए एजुकेशन होता है 2 साल का, एक होता है आपका पीजीडीएमसी पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन 1 साल का, उसके बाद एमए मास कम्युनिकेशन होता है, बीएससी आईटी होती है आपकी 3 साल का, और पीजीडीटीएच होता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड होटलरिंग 1 साल का, ये होता है आपका, ठीक है। ग्रेजुएशन इसके लिए चाहिए बीएससी आईटी के लिए आपके पास में 12th जो होना चाहिए 40%, और एमए मास कम्युनिकेशन के लिए ग्रेजुएशन होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन जर्नलिज्म मास ग्रेजुएशन होना चाहिए 40% के लिए, तो सारा दे रखा है यहाँ पे। बाकी जो एडमिशन होते हैं गाइस, जो यहाँ पे ऑनलाइन एडमिशन हो रहे हैं जो इस साल से जो है एडमिशन, जो पिछले साल जो लास्ट ईयर जो एडमिशन हुए थे ऑनलाइन एडमिशन हुए थे, उससे पहले जो एडमिशन होते थे वो ऑफलाइन होते थे, मेरिट फॉर्म नहीं मिलता था, मेरिट फॉर्म भरना होता था और वो कॉलेज में जमा कराना होता था, तो अगर मेरिट में नाम आता है तो फिर आपका एडमिशन हो जाएगा, और अगर मेरिट में नाम नहीं आता तो एडमिशन नहीं होगा। तो मेरिट वाला सिस्टम चलता है गाइस यहाँ पे, आपको मेरिट फॉर्म भरना है, अगर आपका मेरिट में नाम आ गया तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं, मेरिट में नाम नहीं आया तो एडमिशन नहीं ले सकते हैं। और जो मेरिट लगती है, फर्स्ट मेरिट, सेकंड मेरिट, थर्ड मेरिट, फोर्थ मेरिट, इस तरह से मेरिट लगती है। तो बाकी जो है जो अप्लाई कैसे करना है, जैसे अप्लाई अभी तो इस साल के जो है अभी जो है ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट नहीं हुए है, तो अप्लाई करने के लिए जो यहाँ पे क्लिक किया टू अप्लाई ऑनलाइन पे आपको क्लिक करना होता है, जैसे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होता है, ठीक है, ये रजिस्टर कराना होता है आपको, रजिस्ट्रेशन यहाँ पे रजिस्टर हियर पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालना है, पासवर्ड डालना है, ठीक है, उसके बाद इसको रजिस्टर मी पे करेंगे, जैसे ही रजिस्टर मी हो जाएगा आपको फिर यहाँ पे अपना जो आपने वहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाला, मोबाइल नंबर पासवर्ड यहाँ पे डालना, उसके बाद इसको लॉग इन करना होता है, इस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे हो जाता है। तो इसके जो अभी इस साल की जो है एप्लीकेशन फॉर्म नहीं आए हैं, जब आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, तो अभी जो एडमिशन शुरू नहीं हुए हैं 2021-22 जो है सीज़न के लिए, तो आप जो है सब्जेक्ट देख लीजिएगा, अच्छे से देख लो इसमें, ठीक है, साइट का लिंक मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी इसकी जो है साइट से जो है आप देख सकते हैं। तो इससे मैं नेक्स्ट जो वीडियो में ले आऊँगा, जब इसकी जो है एडमिशन जो है फॉर्म आ जाएंगे, तो इसके जो मैं आपको इससे मैं आपको क्या कर दूंगा, इसका जो सारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो पूरा, जो जब इसके एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएंगे 2021-22 सीजन के, तो मैं लेके आ जाऊंगा। तो आप चैनल के साथ बने रहिए, तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में।